हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल के एस ब्लॉग्स एंड फन। तो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल गाइज फाइन। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। जी, हम लोगों ने एक मंगवाया है इंडक्शन उषा कंपनी से, जस्ट बिकॉज रमजान स्टार्ट होने वाले हैं और सहरी के टाइम पे कुछ पकाना होता है तो यू नो किचन में जाना, थोड़ी गर्मी में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से हम लोगों ने इंडक्शन मंगवाया है। तो उसी का मैं रिव्यू और अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस इंडक्शन को खरीदने से पहले मैंने इसके रिव्यूज देखे थे गूगल पर और रिव्यूज काफी अच्छे हैं, बट ऑनलाइन मुझे थोड़ा सस्ता मिल रहा था अनदर किसी कंपनी का, बट वो मुझे इतना अच्छा लगा नहीं और इसके रिव्यूज भी कुछ खास थे नहीं। तो हम लोगों ने ये परचेज किया है ऑनलाइन, नहीं मैंने रिलायंस से इसको बाय किया है। तो मैं इसकी रिव्यू और अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपने प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ओके, मैंने ये खरीदा है रिलायंस डिजिटल से गाइस। तो ये इसका बिल है जो मुझे पड़ा है 2036 रुपीस। ओके गाइस, तो ये इसका यूजर मैनुअल है जो कि हर प्रोडक्ट के साथ आपको मिलता है कि कैसे यूज करना है आपको अपने प्रोडक्ट को। और गाइस, सीरियसली बताऊँ तो मुझे ऑनलाइन से महंगा पड़ा है, बट ट्रस्ट मी गाइस, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी प्लास्टिक है और रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे गूगल पे। मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन, ऑनलाइन जो सस्ते इंडक्शन मिल रहे थे। और गाइस, अगर आपको थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च करने से कोई बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर है बजाय बेकार क्वालिटी की चीज़ लेने के, बिकॉज वो ड्यूरेबल भी होती है और काफ़ी लॉन्ग लास्ट भी चल जाता है। सो अब इसे ओपन करते हैं। और गाइज, ये मुझे मिला है 1 ईयर की वारंटी के साथ और 1600 वॉट्स का ये इंडक्शन कुक टॉप है। ये निकल जा। निकल गया। ओके गाइज, तो देखते हैं इसे, ये पैकेजिंग आप देख रहे हो इस तरह से ये पैक होके आया था और इसका वेट भी मतलब ठीक ठाक है, मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है आपको दिखाऊँ तो। ओके गाइस, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको पीछे से, ये बैक साइड से कैसा है आप देख सकते हो, पूरी तरह से ये प्लास्टिक का है। एक्चुअली पहले इंडक्शंस वगैरह आते थे ये बैक साइड से ना लोहे वगैरह के होते थे जिससे थोड़ा शॉक लगने का डर होता था, बट ये अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, काफ़ी पीछे से बहुत मज़बूत है। और ये बटन है जिसके थ्रू आप देख सकते हो, ये टी के लिए, ये डीप फ्राई के लिए, इडली के लिए, करी के लिए, डोसा, और ये मैनुअल, और यहाँ पर आप टेम्परेचर है, और यहाँ पर ऑन ऑफ, और यहाँ माइनस प्लस, और आप देख सकते हो, और बाकी तो जो है सब मैनुअल को पढ़कर। तो चलिए इसे एक बार यूज़ करके देखते हैं। हमने सोचा क्यों ना चाय बनाई जाए, तो चलिए चाय बनाते हैं। तो गाइज, ये स्टार्ट हो चुका है, अब चाय बनाते हैं। तो लाओ भाई दूध लाओ। ओके गाइज, तो अब मैं ये सिर्फ दूध में ही पत्ते लगा रही हूँ, चीनी ही आप मत बोलना कि भैया आप किस तरह की चाय बना रहे हो। एक्चुअली हमने 3 कप चाय बनानी है, अभी हम फिलहाल 3 लोग हैं, तो मैं ये टी वाला बटन प्रेस कर देती हूँ। ओके, हमारी चाय बन रही है। 3 लोग की बहुत कम नहीं है चाय। देख सकते हो आप कितनी जल्दी बॉयल आ गया। एक्चुअली गाइस, सच में बहुत जल्दी मतलब बॉयल हो गया है ये, मैंने वीडियो को थोड़ा बहुत भी नहीं काटा है, जल्दी से बॉयल हो चुका है, बहुत कम टाइम लिया इसने बॉयल होने में। और ये चाय हमारी तैयार है। चाय बनी है यार, पानी डालेगी गाइस। तो चाय हमारी कम पड़ गई, एक्चुअली हम लोग 3 हैं लेकिन 2 ही कप चाय बनी है, बट कोई नहीं, वी विल मैनेज्ड। ओके, तो अब मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, ये काफ़ी इजी टू क्लीन भी है और प्रोडक्ट मिला है मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट, और मैं ये कह सकती हूँ कि यू शुड बाय। और बाकी चाय बनी है हमारी, थम्स अप।